एक माँ को चाहिए अपनी बेटी अपने पति से, क्योंकि एक माँ की बेटी अपने पति से हो गई परेशान। किसी न किसी तरह उसका पति उसको परेशान करता है, टॉर्चर करता है। इसी को लेकर आज की प्रेस वार्ता माँ ने अपनी बेटी की मांग की कि मेरे को मेरी बेटी दिलाई जाए। सर, मेरी शादी 2014 में हुई थी। 2014 के बाद 2015 से स्टार्टिंग से मेरे पति, मेरी सास मेरे ऊपर बहुत परेशान, मुझे जुल्म करते हैं मेरे ऊपर, मुझे मेरे घर नहीं आने देते, मेरे पर मारपीट करते हैं। और 2015 से ही मुझे अमन की हरकतों का पता चल गया था, जिससे उसका अब उसका अफेयर है, एक लड़की से उसका अफेयर है। 3-4 साल हो चुके हैं उस लड़की के अफेयर हुए हुए। जब भी मैं उसको इन चीज़ों से रोक टोक करती हूँ या मारपीट करने लग जाता है वो, मैंने खुद उसके सबूत देखे हैं उसके फ़ोन में, वो लड़कियों से, जिन लड़कियों से उसका संबंध है उनके साथ घूमना, शराब पीना, मेरे साथ फिर घर आके मारपीट करना, बच्चों के साथ मारपीट करना। और अगर मैं अपने घर वालों को बता देती हूँ तो मुझे ये धमकी देता है कि अगर मैं तूने अपने घर वालों को बताया तो मैं तेरे भाई को मार दूंगा, अगर मेरी माँ समझाने आती है तो मेरी माँ पे मारपीट करता है, मेरी माँ पे पथराव किया हुआ है उसने कई बार। ये उसकी माँ मुझे खड़े होकर पिटवाती है, बोलती है कि अगर मेरे बेटे के साथ तुझे रहना है तो इसी कंडीशन में रहना होगा, वो मारेगा भी, शराब भी पिएगा, और जिन लड़कियों से उसका गलत रिश्ता गलत वो है वो भी तुझे ऐसे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा, अगर रहना है तो हमारे साथ रह ले, नहीं तो अपने घर चली जा। कहाँ पे आपकी शादी हुई, कहाँ पे उन एड्रेस है वो? जहांगीरपुरी में मेरी शादी हुई है, अमन नाम, और उसकी माँ का नाम रेखा है। पिताजी का नाम? पिताजी उसके अमन के पिताजी का नाम निशी। अभी आप क्या चाहते हैं और कितने बच्चे आपके? सर, 3 बच्चे हैं मेरे। क्या चाहते हो मीडिया को यहाँ पे आज प्रेस? सर, मैंने मीडिया का इसलिए सहारा लिया है क्योंकि मैंने 2015 से ही जो केस डाले हैं हर जगह, WSL में, पुलिस में, मैंने वहाँ की पुलिस में भी, लेकिन मेरी पुलिस में कोई सुनवाई नहीं हुई है। 2015 से ही मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन किसी ने, पुलिस ने आज तक मेरा कभी साथ नहीं दिया। सर जी, आपको जब भी मैं समझाने जाती हूँ, कितनी बार मैंने कंप्रोमाइज करके उसे भेज दिया, जब भी जाती हूँ मैं, लेकिन जब भी दामाद को, अपने रेखा को, अपनी समधन को, कि ऐसा मत कीजिए, ये भी बच्ची है, उसके तो लड़की है नहीं, उसे कोई दुख नहीं है। एक उनका इसका सुसा मौसा सुसर, वो 24 घंटे इसके घर ही मिलता है, जब भी जाती हूँ, जैसे वो जाते हैं वो भी अपने बंदे बुला लेता है, कभी मेरे ऊपर पथराव करते हैं, कभी कुछ करते हैं। 13 तारीख को भी वो इंच की लड़की को लेकर हिमाचल गए हुए थे, 13 तारीख को आए, इसको मारने लग गए, मार काट, इनने फ़ोन करा मुझे कि मम्मी मेरे को मार रहे हैं, मुझे आके ले जा, मैं नहीं सह सकती। मैं अपनी मम्मी और भाभी और को लेकर 4-5 औरतें गई बस, इसको हमें देखते ही इसकी सास ने ताला लगा दिया, इसको अंदर बंद कर दिया। मैंने कि जो मेरी नवासी है, इसकी बेटी मन्नत को लेकर, इसका दोस्त इंद्रजीत, संतोष, रमन, ये सारे ऐसे भागे हैं। उस दिन से आज तक ना हमने उस बच्ची की आवाज़ सुनी, ना इसको दिखाया गया, पता नहीं वो बच्ची कहाँ है कहाँ नहीं है। अगर बाप के पास भी है तो क्या माँ के हक नहीं है कि कहीं जानने का कि बच्ची सही सलामत है या नहीं है? अभी आप क्या चाहते हैं? बस यही चाहते हैं कि उसको सबक मिले। जहांगीरपुरी थाने में तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती और वो खुलेआम धमकियां देते हैं कि ये तो हमारा है, कुछ भी नहीं कर सकते। उसका जो संतोष, उसका मौसा और मेरा पति, लेकिन इन तीनों ने मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब करी हुई है किसी ना किसी चीज़ की। मुझे मेरे घर भी नहीं आने देते हैं ये लोग, और मेरे बच्चे मुझसे दूर रखते हैं वहाँ पर भी ना। अभी आप बच्चों को चाह रहे हैं या उनके साथ रहना? नहीं, मुझे उनके साथ नहीं रहना, मुझे मेरी बेटी 6 साल की, वो बेटी दिलवा जाए। लाइक, शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन।